तो यार सबसे पहले तो भाई गूगल टाइम देख लो आप एक बार, अभी ऑलमोस्ट 3:30 बज रहे हैं। बाकी गूगल पे सर्च करके दिखा रहे हैं आपको एक बार, ये लिख दिया इंडिया टाइम नाउ, ये टाइम देख लो भाई गूगल का, 3:27 हो रहे हैं, रिफ्रेश सैटरडे भी है। मार दिया भाई। रिफ्रेश भी कर रहे हैं बार बार, ऊपर भी देख लो हमारा टाइम भी 3:27 हो रहा है। और ये देख लो, और ये देख लो भाई भानगढ़, ठीक है भाई अभी टाइम हो रहा है 3:30, 3:30 के करीब का टाइम हो रहा है अभी, ठीक है। टाइम तो हो रहा है 3:30 बज रहे हैं और इस टाइम बैठे हुए हैं भानगढ़ भानगढ़ फोर्ट के के। अंदर। ये देख लो भाई, ये फटी फटी क्लिप आएगी क्योंकि काफ़ी दूर से लाइट मार रहे हैं हम। ये देख लो, ये है भानगढ़ फोर्ट पूरा। तो ये देख लो भाई, ये एक छोटा सा रूम बना रखा है, स्टार्टिंग में रूम से जितना छोटा रूम है उससे ज्यादा चमकादड़ है। चमकादड़ ही चमकादड़ उड़ रहे हैं यहाँ पे। और इधर देखो एक नीचे ये तहखाना अंडरग्राउंड सा बना रखा है, क्या तहखाना सा है भाई, क्या इसके है? अंदर भी चमकादड़ भरे पड़े देखा हैं। जरा एक बार, ये देखो भाई एयर लाइट मार दियो यहाँ। उड़ के बाहर आएंगे सारे। अरे कोई नहीं आ रहा बाहर, देखो यार जितना दिखे देख लो इसमें ही। आगे आ जा आगे, हाँ अब मार अंदर मार इसके। ये इधर भी देखो है इसमें तो, इधर भी बहुत चमकादड़ ही वे चमकादड़ है चमकादड़ नहीं जगह भी इधर जाने की। वे ये भाई, पूरी सीढ़ियां बना रखी है उतरने की। ये देखो, तहखाना है पैसा छुपाने के लिए, खजाना। तो यार फोर्ट में तो घूम ही रहे हैं भाई, ठीक है। पूरी आधी रात ही है एक तरीके से, भूत भूत कोई होता तो आ जाता। तांत्रिक या रत्नावती, एक बार स्टोरी बता देता हूँ जिसको नहीं मालूम है। वैसे तो 99% बंदों को पता स्टोरी होगी, पता ठीक है, है। इतनी फेमस जगह है तो ना मालूम हो ये तो हो ही नहीं हो नहीं सकता। सकता। स्टोरी है कि ये भानगढ़ ना एक तरीके से एक गाँव सा था पहले, ठीक है। सिर्फ एक फोर्ट तक बहुत ये सीमित नहीं था, पूरा गाँव था, मार्केट वगैरह, स्कूल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें थी। सो यहाँ की जो महारानी थी ना वो थी रानी रत्नावती, और यहाँ पे एक करेक्टर का नाम है वो है तांत्रिक, ठीक है। तांत्रिक ये दो बाबा मेन करेक्टर है स्टोरी के। सो सीन ये होता है कि एक दिन तांत्रिक देख लेता रानी को ना घूमते हुए मार्केट वगैरह में, उसकी नज़र पड़ती है और वो उसको इतनी पसंद आ जाती है कि उसका मन बाल करता है इसे कर लूँ सेटिंग, ठीक है भाई। तो अब रानी तो रानी भाई, और ऐसे कैसे तांत्रिक से सेटिंग रानी कर है तो ले, भाई ठीक माल भी होगी। है, ऐसे कैसे सेटिंग कर लेगी रानी। तो तांत्रिक भाई प्लान बनाता है, तांत्रिक ना अपना झाड़ फूक करता है, एक तेल होता है, ठीक है, तेल की शीशी पे अपना मंत्र मुंत्र मारता है। और मंत्र ये होता है कि जो इस तेल को यूज करे आना वो उसकी तरफ खिंचा हुआ आ जाएगा, यानी कि उसके वश में हो जाएगी रानी, ठीक है। वो किसी तरीके से वो रानी तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो ओ कुछ स्टोरी ये है कि रानी को पहले ही पता चल जाता है, कोई कि दासी वो वगैरह बता हाँ देती है कि ऐसा सीन है, इसमें मंत्र मंत्र है। कुछ ये है कि कुछ स्टोरी ये कहते हैं कि रानी जो होती है ना उसे भी उस टाइम पे ब्लैक मैजिक के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, तो तो पता उसको चल पता चल जाता जाता है तेल देखते हुए कि इसमें कुछ झाड़ फूक करा हुआ है। तो कंक्लूजन यही है कि उसको पता चल जाता है, और वो सीसी ना अपने फोर्ट से ही बाहर फेंकती है, बाहर फेंक के चट्टान पे वो गिरती जाके है, गिरती है सीधा चट्टान पे, चट्टान बड़ी पे सी पे। अब मंत्र उसका इतना पावरफुल था कि चट्टान भी भाई गई उड़ती हुई, जाके तांत्रिक गिर गई तांत्रिक के के ऊपर। लॉजिक ऊपर देख रहे हो कितना तगड़ा है, चट्टान उड़ पूरी के गई चट्टान उड़ के गई और गिर गई जाके सीधा तांत्रिक पे, बैठ निशाना बैठा एकदम परफेक्ट। और तांत्रिक का हो गया काम अब भाई खत्म। काम खत्म होने से पहले अपनी आखिरी कुछ वर्ड्स थे उसके तांत्रिक के, मैं तो भाई जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं तो मर रहा हूँ, लेकिन मेरा श्राप है कि ये रानी रत्नावती, ये भानगढ़, ये पूरा तबाह हो जाएगा, अब कोई खत्म। नहीं रह सकता यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद की सीन ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई उसके श्राप की वजह से सब तहस नहस हो गया, कोई यहाँ पे बस नहीं पाया कई 100 सालों से, शायद 400-500 साल हो गए इसको हाँ भानगढ़ को ज्यादा उजड़े ही हो हुए, गए हैं। ठीक है। और कुछ लोग जो लॉजिकल स्टेटमेंट है वो ये है कि भानगढ़ के साथ में एक गांव है अजबगढ़, ठीक अजबगढ़, है, हाँ, उनकी फाइट उनकी हुई थी। फाइट हुई थी दोनों की, उस फाइट में जो है भानगढ़ पूरा तबाह हो गया था, सब लोग मारे गए थे। ये फिर भी लॉजिकल स्टेटमेंट लग हाँ रही है, और अजबगढ़ तो अभी भी है भाई वहां पे, अभी भी हमने देखा अजबगढ़, था। अजबगढ़ भी लेकिन वीरान पड़ा हुआ है पूरा, हाँ ठीक है। तो ये स्टोरी है, बाकी तो घूम रहे हैं देखते हैं। सब कहते हैं रानी रत्नावती की और तांत्रिक की आत्मा अभी भी यहाँ घूमती है, तांत्रिक आज भी रत्नावती को पाने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं भाई घूमते घूमते कौन सी रत्नावती की और कौन आत्मा है, सा कौन सा तांत्रिक, तांत्रिक घूम रहा है यहाँ। और यहाँ पे पक्षी है, लंगूर है, बंदर है, सब है शेर, चीता सब। वीता भी हो सकते हैं, बाघ वाघ, इनकी तो हम गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। और भाई लोकल से बात भी करी तो उन्होंने कहा था आते हैं यहाँ पे, आते हैं गार्ड बोलते, आते हैं सब बोलते, मेन आते हैं रीजन। लेकिन भूत नहीं आते। लेकिन भाई यहाँ के जो लोकल है उनका मेन रीजन नहीं है, जानवर आते हैं इसलिए रात को जिसे भी बुला देते पूछोगे ना हैं रात को क्यों नहीं जाने देते, हमें तो पूरे के पूरे बंदों ने ये बोला है कि भाई रात जानवर। को जानवर आते हैं। आपको शायद कोई बोल दे कि भूत है, जो ज्यादा ही हाँ फोकस में रखता है भूत प्रेतों को वो बोल दे तो बोल दे, और अभी भी बाकी आपको बीच बीच में आवाज आएगी पक्षियों की, पूरा जंगल है यार ये, ठीक है। तो घूम लेते हैं और ढूंढ लेते हैं, भूत को रानी रत्नावती को। ढूंढो 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 ढूंढो।
चमगादड़ पागल हो गया सारे लाइट देख के हो रहे हैं यार, रात का टाइम है, इन्हें लाइट पसंद नहीं होती भाई साहब, सारे चमगादड़ों को लग रहा है कौन आगे दुखी करने उतरी। क्या है छेद, किस चीज के है? मधुमक्खी है क्या? लग तो नहीं रही। ये वाला हिस्सा किसी ने नहीं दिखाया होगा इस फोटो का? नहीं। अबे एक चीज और वो देख, रुक जा नीचे आने दे पहले भाई को। सिर दिख रहा ऊपर? सब दिख रहा मुझे ऊपर। और यहाँ चमगादड़ बहुत कम है भाई, वो दिख चुहे जैसा है। अरे चूहे ही होते हैं, चूहे के पंख लग गए बड़े। ये देख नीचे। अच्छा ये उसके लिए रखे हुए हैं, रत्नावती के लिए, हाँ उसके श्रृंगार वगैरह के लिए, उसको रानी मान, वो मतलब एक तरीके से देवी मानते थे। तो यार भूत बात का कोई चक्कर नहीं है, कोई रानी रत्नावती का भूत नहीं है, कोई तांत्रिक का भूत नहीं है, जो मरे थे सो मरे थे, कोई कुछ चक्कर नहीं है भाई यहाँ पे, सारी अफवाह वाली बात है। ठीक है, पूरी नाइट स्पेंड कर लिया हमने, खत्म करते हैं वीडियो को। पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भर भर के। ठीक है, जल्दी बाय बाय।